बिमला से सभी हमेशा डरे डरे से रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी को कुछ भी बोल देती है। वो बहुत ही घमंडी और खुदगर्ज है, हमेशा दूसरों से झगड़ा करती है। बिमला से सभी परेशान हैं। गांव वाले मन ही मन बिमला की मृत्यु चाहते हैं। ये बुढ़िया पता नहीं कब तक रहेगी, हमेशा बस परेशान करती रहती है। बिमला के घर के पास रमेश नाम के एक आदमी का घर है। रमेश के आंगन में एक अमरूद का पेड़ है। एक दिन दोपहर को बिमला चुपके से उस पेड़ के नीचे जाती है और एक अमरूद तोड़ लेती है, और उसी वक्त रमेश ये देख लेता है। वो दौड़कर घर से बाहर निकलता है और कहता है, ये क्या, मेरे आंगन में घुसकर चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चोरी? मैं भला चोरी क्यों करूंगी, ये अमरूद का पेड़ मेरा है, मेरा। अरे वाह, पेड़ मेरे आंगन में है मगर इसकी मालकिन तुम हो। और नहीं तो क्या, तूने जब जन्म भी नहीं लिया था तब मैंने ये पेड़ लगाया था। तो क्या हुआ, मैंने तो ये जमीन खरीद ली है ना, उस हिसाब से तो ये पेड़ मेरा हुआ। उन दोनों की लड़ाई चलती रही, आखिर मामला बिगड़ता गया और गांव के मुखिया मदनलाल चले आए। मदनलाल ने ये फैसला किया कि पेड़ रमेश का ही है। इस बात से गुस्सा होकर बिमला ने मदनलाल की बकरी चुरा ली और उसे बेच दिया। मदनलाल भी परेशान हो गया। उधर अपने कमरे में बैठकर बिमला सोचती रही कि इसके बाद किसको परेशान किया जाए। ऐसे ही दिन बीतते रहे और लोग परेशान होते रहे। उधर यमलोक में यमराज चित्रगुप्त के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। यमराज कहते हैं, चित्रगुप्त जरा देखो आज रात किसकी बारी है। चित्रगुप्त अपनी लिस्ट चेक करके कहते हैं, आज रामनगर की बिमला की बारी है प्रभु। वो स्वर्ग जाएगी या नरक, स्वर्ग का कोई सवाल ही नहीं उठता प्रभु। ये औरत बहुत घमंडी है, गांव वाले कब से इसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आज रात को मैं इसे लेकर आऊंगा। रात हो जाती है और बिमला उसके बिस्तर पर आराम से सो जाती है। इतने में यमराज वहां प्रकट हो जाते हैं और बिमला को बुलाने लगते हैं। बिमला उठ, बिमला जाने का वक्त आ गया है। आवाज सुनकर बिमला उठ जाती है और कहती है, कौन है आप? मैं यमराज हूँ, इस धरती पर तेरा समय पूरा हो गया है, आज तुझे यमलोक में जाना पड़ेगा। ये सुनकर बिमला चौंक जाती है और रोने लगती है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जीना है, मुझे जीना है। तू जीकर भी क्या करेगी, सारे गांव वाले तुझसे परेशान हैं। तूने कभी किसी का भला नहीं किया है, तेरा स्थान नरक में है, चल बिमला। बिमला रोती रहती है, मगर बिमला बहुत शातिर है। उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। बहुत रोने धोने के बाद वो कहती है, ठीक है यमराज, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। मेरे खटिये के नीचे बहुत सारे गहने हैं, मुझे बस ये वरदान दीजिए कि मेरे जाने के बाद इस खटिये के नीचे से किसी भी चीज को कोई निकाल ना पाए। ठीक है, मैं वरदान देता हूँ, तेरी आखिरी इच्छा पूरी होगी, अब चल। मगर तभी बिमला ने यमराज को चौंका दिया और खटिये के नीचे घुस गई। यमराज ने कहा, अरे ये क्या कर रही है, जल्दी चल, देर हो रही है। ये सुनकर बिमला ने हंसते हुए कहा, अगर लेकर ही जाना है तो मुझे इस खटिये के नीचे से निकालिए। यमराज बिमला को खटिये के नीचे से बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उनका हाथ खटिये के नीचे पहुंचता ही नहीं है। किसी अदृश्य शक्ति की वजह से हाथ फंस जाता है। आपने खुद मुझे ये वरदान दिया है यमराज, इस खटिये के नीचे से कोई भी किसी भी चीज को नहीं निकाल पाएगा। यमराज परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है आज तो तू बच गई, लेकिन एक हफ्ते बाद मैं फिर से आऊंगा और तुझे लेकर ही जाऊंगा। बिमला मान जाती है, यमराज अदृश्य हो जाते हैं। बिमला अपने ही मन में हंसती रहती है और ये सोचकर खुश हो जाती है कि उसने यमराज को चकमा दे दिया है। मैंने यमराज को चकमा दे दिया है, इसका मतलब मैं मरूंगी ही नहीं, मैं अमर हो गई हूँ, अमर। अगले दिन से वो गांव वालों को और परेशान करती रहती है और ये बताती फिरती है कि वो अमर हो गई है, अब उसे स्वयं यमराज भी यमलोक नहीं ले जा सकते। ये सुनकर सब लोग चिंता में पड़ जाते हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता भैया, ये खूसट बुढ़िया अमर कैसे हो सकती है, ये जिंदा रही तो हम गांव वालों को परेशान करके छोड़ेगी, इसके चक्कर में तो हम ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। पूरा गांव चिंता में पड़ गया। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। बिमला पूरी तैयारी के साथ बिस्तर पर बैठ गई। यमराज प्रकट हुए। एक हफ्ता हो गया है, अब चल मेरे साथ। यमराज का कहना खत्म होते ही तुरंत बिमला खटिये के नीचे घुस गई और जोर जोर से हंसने लगी।
आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते यमराज जी, मैं अमर हो गई हूँ। आप जब भी मुझे लेने आएंगे मैं इस खटिये के नीचे घुस जाऊंगी। यमराज परेशान होकर बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। बिमला ने सोचा कि उसने यमराज को हरा दिया है। ये सोचकर वो और भी घमंडी बन गई, लोगों के साथ और ज्यादा बदसलूकी करने लगी। उधर यमलोक में यमराज चिंता में पड़ गए। चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, क्या हुआ यमराज, आप चिंतित लग रहे हैं। यमराज ने चित्रगुप्त को सब कुछ खुलकर बताया। चित्रगुप्त ने कहा, ये तो बहुत ही मुश्किल की बात है, मुझे पता है, अब कोई उपाय बताओ। इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है, आप देवादिदेव महादेव के पास जा सकते हैं, उनके पास हर समस्या का समाधान है। यमराज तुरंत भगवान शिव के पास चले गए और उन्हें सब कुछ खुलकर बताया। सब कुछ सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, उस खटिये के नीचे से किसी भी चीज को बाहर नहीं निकाला जा सकता, मगर वो खुद बाहर आए तो मैं उसे लेकर आ सकता हूँ। ठीक है यमराज, आज रात को आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रात हो गई। उधर बिमला निश्चिंत होकर सो गई। उसे लगा कि यमराज ने हार स्वीकार कर ली है, मगर तभी यमराज प्रकट हो गए। यमराज को देखकर बिमला फिर से खटिये के नीचे चली गई। क्या हुआ यमराज, आप फिर से चले आए, आपको हार मान लेनी चाहिए, मैं तो अमर। बिमला की बात खत्म ही नहीं हुई कि तभी धरती कांप उठी, भूकंप आ गया। बिमला का पूरा मकान एक तरफ हिल गया और बिमला खिसकते हुए खटिये के नीचे से निकलकर बाहर चली आई। यमराज इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने बिमला को पकड़ लिया और यमलोक लेकर चले गए। शिव जी ने भूकंप को रोक दिया। बिमला रोने लगी, नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं तो अमर हूँ, मैं अमर हूँ। तुम यमलोक में आ गई हो बिमला, तुम्हारी मृत्यु हो गई है, अब तुम नरक में जाओगी। नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया। हमेशा याद रखना विमला, प्रकृति के सामने मनुष्य बहुत छोटा है, जन्म और मृत्यु तो एक नियम है, मनुष्य उसे टाल नहीं सकते, चाहे कोई कितना भी घमंडी क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन तो मरना ही होगा। इसके बाद विमला को नरक में भेज दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है, अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। गीता एक गरीब बुढ़िया थी जो हमेशा देवी माँ की पूजा किया करती थी। गीता के बेटा बहू एक एक्सीडेंट में चल बसे, फिर उसकी पोती उसके पास ही रहने लगी। अब उसकी पोती भी बड़ी हो चुकी थी। गीता अपनी पोती की शादी करना चाहती थी तो वो देवी माँ से कहती है, हे देवी माँ, मेरी पोती अब बड़ी हो गई है, मैं चाहती हूँ इसके योग्य वर मिले, मैं इसके हाथ पीले कर दूंगी और मैं अपने फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। हे माँ, मेरी बेटी की शादी जल्दी ही हो गई तो मैं नवरात्र के सारे व्रत रखूंगी। गीता ऐसा बोलकर माता के चरणों में प्रणाम करती है और उठकर चली जाती है। तभी उसकी पोती उससे कहती है, दादी माँ, आप देवी माँ की इतनी भक्ति करती हो, क्या देवी माँ आपकी विनती सुनती है, क्या एक बार में ही लोगों की बात सुनती है क्या। हाँ बेटा, देवी माँ सबकी विनती सुनती है, वो मेरी भी जरूर सुनेगी, और बेटा तुम्हें भी देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। दादी माँ, मैं तो नहीं जानती कि देवी माँ सबकी सुनती है या नहीं, पर अगर आपका उन पर इतना अटूट विश्वास है तो मैं भी उनकी पूजा जरूर करूंगी। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, तो अब देखना देवी माँ तुम्हारे जीवन को कितना सुंदर बना देंगी और जल्द ही एक योग्य वर से तुम्हारी शादी करवा देंगी। ऐसा कहकर गीता सो जाती है। तभी रात में उसे यमदूत जी दिखाई देते हैं और गीता से बोलते हैं, गीता चलो मेरे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। आप कौन हैं? मुझे अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहते हो? हम यमदूत हैं और हमें यमराज जी ने तुम्हारे प्राण लेने के लिए भेजा है, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। यमदूत जी ऐसा न कहें, मेरी पोती विवाह योग्य है और उसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है, अगर आप मुझे अभी लेकर चले गए तो मेरी पोती की शादी कैसे होगी। मैं चाहती हूँ मेरी पोती की शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए, जिससे उसे बाद में कोई परेशानी ना हो। हम यमदूत हैं
और हमारे महाराज यमराज जी का आदेश है कि तुम्हारे प्राणों को हर लिया जाए और तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। वैसे भी यमराज जी के फैसले के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती, मुझे मेरे फर्ज पूरे करने हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, या तो प्यार से अन्यथा जबरदस्ती। नहीं नहीं, महाकाली मेरी रक्षा करो। आप तो जानती हो मेरी पोती का मेरे अलावा कोई नहीं है। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी पोती का क्या होगा। हे देवी माँ, मेरी रक्षा करो। गीता, हमारी बात मान लो, हम कल के दूत हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अगर तुम काल के दूत हो तो मैं भी महाकाली की पुजारन हूँ, जो काल से भी बड़ी है, और तुम देख लेना, वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करें तो ये भी सही है, पर हम अपने प्रभु का कहना अवश्य ही मानेंगे। फिर यमदूत बुढ़िया को छूते हैं, उन्हें एक जोर का झटका लगता है। अरे ये कैसा झटका था, आज तक हमने इतने लोगों के प्राण हरे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। आखिर ये सब कैसे हो रहा है। तभी महाकाली की आवाज यमदूत के कानों में पड़ती है। यमदूत, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम अभी गीता के प्राणों को नहीं हरोगे। जब मेरा आदेश होगा तब तुम गीता के प्राणों को ले जाना, पर तब तक तुम इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तुम कौन हो जो हमें ऐसे आदेश दे रही हो? हम सिर्फ अपने प्रभु यमराज का आदेश मानते हैं, उनके अलावा किसी का नहीं मानते। मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही महाकाली हूँ, मैं महाकाल से परे हूँ, मैं ही सर्वप्रथम शक्तिशाली हूँ। ये सुनकर यमदूत समझ जाते हैं और वो हाथ जोड़कर बोलते हैं, मुझे क्षमा करें माता, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जय महाकाली। इतना कहकर यमदूत वहाँ से यमराज जी के पास चले जाते हैं। यमदूत, मैंने तुमसे कहा था कि उस बुढ़िया के प्राण लेकर आ जाना, पर तुम तो खाली हाथ ही आ गए। अब तुम अपने प्रभु का आदेश नहीं मानते, तुम उसके प्राण क्यों नहीं लेकर आए? हम गए थे महाराज, पर महाकाली का आदेश था, जब तक उस बुढ़िया के प्राणों को ना हरे जाए, जब तक महाकाली आदेश ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी देवी देवता मेरे कार्य के विरुद्ध नहीं जाते, न ही कोई बाधा डालते हैं, तो फिर इस बार महाकाली ऐसा क्यों कर रही है यमदूत? पता नहीं महाराज, लेकिन हम महाकाली के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकते, इसलिए हम वापस आ गए हैं। ठीक है, हम स्वयं ही उस बुढ़िया के प्राण लेने जाते हैं, देखते हैं महाकाली हमें कैसे रोकती हैं। फिर यमराज बुढ़िया के घर पहुंच जाते हैं और उसके प्राणों को हरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बुढ़िया के शरीर को छूते हैं तो यमराज के शरीर में कंपन आ जाती है, जिस कारण यमराज क्रोधित होकर कहते हैं, किस शक्ति का इतना साहस है जो मुझे इसके प्राण लेने से रोक रहा है? सामने आओ, जो भी मेरे कार्य में बाधा बन रहा है अंजाम सही नहीं होगा। हे यमदेव, आप भूल रहे हो कि मैंने आपके यमदूत को कहा था, जब तक मेरा आदेश ना हो आप इस बुढ़िया के प्राण नहीं हरोगे। पर महाकाली, ये होनी है, ये तो होकर ही रहेगी, इसे तो कोई नहीं टाल सकता, इसे ना तो आप टाल सकती हैं, ना तो मैं, यही विधि का विधान है। फिर यमराज बुढ़िया के दोबारा प्राण छीनने की कोशिश करते हैं तो महाकाली गुस्से में आ जाती हैं और यमराज जी के शरीर को बहुत छोटा बना देती हैं। ये देखकर यमराज जी बहुत घबरा जाते हैं और गायब होकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं और बीती हुई घटना ब्रह्मदेव को बताते हैं। आप जानते हैं माँ दुर्गा समस्त शक्ति है और समस्त शक्ति की संरचना भी वही है। अगर आपको पहले की तरह होना है और महाकाली के इस बंधन से मुक्ति पानी है तो आपको माँ दुर्गा का ध्यान करना होगा, वही आपको इससे मुक्ति करा सकती हैं। ठीक है ब्रह्मा जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम दुर्गा माता का ध्यान करेंगे और उनको प्रसन्न करेंगे। यमराज जी, कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, देवी माँ को खुश करने के लिए ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप माँ दुर्गा का 9 रूपों की आराधना करो, माँ आपके कष्टों का निवारण अवश्य करेंगी। फिर यमराज जी माँ दुर्गा के नवरात्रों को रखना शुरू करते हैं। उधर गीता भी सुबह उठती है और बोलती है, क्या सच में कल रात यमदूत मेरे प्राणों को लेने आए थे? पर अगर वो सच में थे
तो बिना मेरे प्राण लिए वापस कैसे चले गए? जो भी हो, ये सब मेरी महाकाली का चमत्कार है। फिर गीता भी बड़ी श्रद्धा से महाकाली के नवरात्र के व्रत पूर्ण करती है। यमराज जी के नवरात्रि पूरे होते ही दुर्गा माँ उनके सामने प्रकट होती है। यमराज जी, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? माँ, मुझे मेरा पहले जैसा ही शरीर चाहिए। मैंने अज्ञानता में गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दे माँ महाकाली। मैं महाकाली की शक्ति को पहचान नहीं पाया, हे माँ मुझे क्षमा करें। यमराज जी, महाकाली मेरा ही एक स्वरूप है। महाकाली की शक्ति के सामने महादेव भी नमन करते हैं। पर यमराज जी, मैं आपका पश्चाताप देखकर आपकी भूल को क्षमा करती हूँ और आपको आदेश देती हूँ कि जब तक बुढ़िया की पोती की शादी नहीं हो जाती, तुम उसके प्राणों को नहीं हरोगे। फिर महाकाली माँ दुर्गा की बात मानकर यमराज जी को पहले जैसा बना देती है। फिर कुछ ही दिनों में बुढ़िया को एक अचानक वर मिल जाता है और वो अपनी पोती की शादी कर देती है। फिर यमराज जी बुढ़िया के सामने प्रकट होते हैं। गीता, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यमराज जी, अब मुझे चलने में कोई संकोच नहीं है। जय महाकाली, मैं जानती हूँ आपने उस वक्त मेरे प्राणों की रक्षा की थी। आप अपने समस्त भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय हो महाकाली की। Thank you.